इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से देखेंगे। VXN लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 10 ईच। मजेदार क्यों है? प्रीमियम भर भर के है, प्रीमियम भर भर के है। शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 8 पर शेयर, तो 2 3 वहां। चलो मतलब खुशी की बात क्या है, प्रीमियम एट ऑल स्टेजेस। तो मतलब ये व्हाट मेक्स दिस क्वेश्चन स्पेशल, प्रीमियम एट ऑल स्टेजेस। तो प्रीमियम रिसीव्ड तो क्या होगा, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड तो क्या होगा, सब कुछ यूज हो जाएगा एक साथ। तो प्लीज ऑब्वियसली बात है, ये वही क्वेश्चन कर सकता है बच्चा जिसके अभी तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, फोर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार, फोर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम रिसीव्ड, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो एप्लीकेशन फॉर इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो जब भी ऐसा हो पहले तो हमें क्या कर लेना चाहिए, एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेना चाहिए स्टेजेस का ही, ठीक है ना, कि उसमें कोई गलती करना बैठे। मतलब लेस देन 1 मिनट ऑप्शन, सॉरी एक मैंडेटरी है, नहीं है बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, एडवाइजेबल है, 1 मिनट लगेगा, ध्यान से देखेंगे। स्टेजेस एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल। तो हमेशा शेयर्स में क्या कर देना चाहिए, फेस वैल्यू और सिक्योरिटीज प्रीमियम को सेग्रीगेट कर देना चाहिए, इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम। तो एप्लीकेशन मनी कितनी हो गई, 2 + 2, अलॉटमेंट 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो ये क्या हो गया, 3 + 3, फर्स्ट कॉल 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो ये क्या हो गया, 4 + 1, बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेयर 10 रुपए के हैं बट टोटल प्रीमियम भी 8 रुपए है, तो अभी कितना हुआ है, 5 6 रुपीज हुआ है, तो प्रीमियम कितना बचा है, 2। शेयर की फेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10, तो यहाँ पे हम बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं, 4 3 7 2 9, तो फेस वैल्यू क्या है, 1। अब वेरीफाई कर लेंगे, 5 ये कितना है, 4 6 5 3 10 18, ठीक है, पहला स्टेप ये होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब 50,000 टोटल एप्लीकेशन आई। गोपाल अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, एंड माधव अ होल्डर ऑफ 400 शेयर्स पेड इज एंटायर मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी। तो कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। गोपाल्स शेयर्स वर इमीडिएटली फोरफीटेड आफ्टर अलॉटमेंट, तो ये फॉरफीचर की कहानी हो गई, ठीक है जी। आफ्टर वर्ड्स द फर्स्ट कॉल वॉज मेड, कृष्णा होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल, एंड गिरधर होल्डर ऑफ 300 शेयर्स पेड द सेकेंड कॉल मनी अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल मनी। कृष्णा शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफीटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल वॉज मेड आफ्टर वर्ड्स एंड वॉज ड्यूली रिसीव्ड, ऑल द फॉरफीटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप पास द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज। कॉम्प्लिकेटेड, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, यस अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, टू मैनी पीपल आर इन्वॉल्व। तो आराम आराम से, वन लाइन एट अ टाइम, वन लाइन एट अ टाइम। अगर कॉम्प्लिकेशन से बचना है तो पूरे क्वेश्चन को मत डील करो, वन स्टेज, मतलब शेयर्स में बोलते हैं वन स्टेज एट अ टाइम, पहले एप्लीकेशन पे फोकस करते हैं, फिर जाएंगे हम एप्लीकेशन में क्या हो रहा है उसका अलॉटमेंट से कोई, अलॉटमेंट में क्या हुआ उसका एप्लीकेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, एप्लीकेशन में क्या हुआ उसका आ सकता है क्योंकि एप्लीकेशन में ज्यादा पैसे आ गए तो वो अलॉटमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, बट अलॉटमेंट में क्या हुआ ना वो मेरी एप्लीकेशन को अफेक्ट नहीं कर सकता, नेवर, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे पहले फोकस करेंगे, इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, गोपाल शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, एंड माधव होल्डर ऑफ पेड इज एंटायर मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट अलॉटमेंट, डू आई नीड टू रीड इट टू पास द एंट्री फॉर एप्लीकेशन, नो, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, पहला स्टेज का कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो जो सही हो रहा है उसको तो सही कर दें, क्योंकि इतना सारा सर प्रीमियम प्रीमियम प्रीमियम, गोपाल राम श्याम माधव कितने लोग हैं सर, सॉरी नहीं करना, नहीं, ध्यान से देखेंगे आराम आराम से। पहली एंट्री क्या है, बैंक टू बोला इन्होंने, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ध्यान देंगे इस बात का भी, तो
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आपके सामने करूंगा, आराम आराम से, मुश्किल नहीं है, लेंदी है। मुश्किल मैं कह रहा हूं, कोई कैलकुलेशन मुश्किल लगे तो बताना, कोई भी कॉन्सेप्ट नया नहीं आएगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो यस, कॉन्सेप्ट यूज होंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एप्लीकेशन फुली सब्सक्राइब, कितने शेयर्स हैं? 50,000। तो 50 कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके थे, 4 रुपए। तो ध्यान से देखेंगे, 15 × 4 2 लाख, 2 लाख में से फेस वैल्यू 1 लाख, प्रीमियम 1 लाख। कोई भी डाउट? अब अलॉटमेंट मनी मांगी तो हमें पता था क्या होने वाला है, मतलब हमें तो ये पता ही नहीं गोपाल नाम का भी कोई इंसान है, ठीक है ना। अलॉटमेंट मनी मांगी तो एंट्री क्या हुई? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर्स हैं? 50,000। अलॉट मनी टोटल कितनी है? 6। 3 लाख ड्यू थे, फेस वैल्यू 3 + 3 तो मतलब 150। 150, कोई भी डाउट? अब कहानी पढ़नी पड़ेगी, कब तक इग्नोर करेंगे? गोपाल अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। माधव अ होल्डर ऑफ 400 शेयर्स पेड हिज एंटायर मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी। क्या बचाएगा हमें? वर्किंग नोट। क्या बचाएगा हमें? वर्किंग नोट। तो ध्यान से देखेंगे, पहले मैं एक्स्ट्रा जगह क्रिएट कर लूं। एप्लीकेशन हुई है अभी, अलॉटमेंट अलॉटमेंट चल एक्स्ट्रा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खाली होगा तो बाद में देखेंगे। चलो, वर्किंग नोट नंबर टू, आपको बचाएंगे आपके वर्किंग नोट्स। तो ये वर्किंग नोट नंबर क्या टू क्या है? कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। प्लीज समझेंगे, ये चेंज ही नहीं होगा, इसका सीक्वेंस सेम रहेगा, इसका तरीका कैलकुलेट करने का सेम रहेगा, जैसे हमने कॉल्स इन एरियाज कॉल्स इन एडवांस में करा था। कैसे कैलकुलेट होता है? मनी ड्यू प्लस एडवांस माइनस एरियर्स, या माइनस एरियर्स प्लस एडवांस, वो आपकी मर्जी है कि आपने पहले प्लस करना है या माइनस। मैथमेटिकली इजी रहता है कि पहले आप ऐड कर दो जो ऐड करना है, फिर माइनस कर देना। तो ऐड कर दो कॉल्स इन एडवांस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस कर दो कॉल्स इन एरियर्स। पहले तो मिलने कितने चाहिए थे? 50,000 शेयर्स हैं, 6, तो 3 लाख रुपीज मिलने चाहिए थे। एडवांस माधव ने दिए, माधव होल्डिंग 400 शेयर्स पेड इज एंटायर बैलेंस। जब मैंने अलॉटमेंट मनी मांगी तो एडवांस क्या माना जाएगा? अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, या फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल? अलॉटमेंट तो उसने देनी थी, एडवांस कहाँ से? तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ये है उसका एडवांस, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो 5 + 3, 5 + 3, सर उसने प्रीमियम भी दे दिया होगा। एंटायर बैलेंस, एंटायर बैलेंस 8 रुपीज, ध्यान देंगे 8 रुपीज। तो एडवांस में कितने आए उसके? कितने? 400 शेयर्स थे, 400 × 8 32। एरियर्स कौन था? गोपाल। अरे कुछ तो मदद कर दो नलायक को। गोपाल 200 शेयर्स डिड नॉट पे दी अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट कितना? 6। तो 200 × 6 1200, 2 लाख, 3 लाख 2000, 3 लाख 2000। कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, क्या ये मुश्किल है? बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्री ध्यान से देखेंगे, अलॉटमेंट की
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर्स डेबिटेड टू इक्विटी, टू टू शेयर अलॉटमेंट और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी से बोला जाएगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। बैंक हम कैलकुलेट कर चुके हैं कितना आया था, 3 लाख 2, 3 लाख 2। एरियर्स कितने थे, 2000, 1000। मिलने कितने चाहिए थे, 3 लाख। एडवांस कितना आया था, वेरीफाई करेंगे, एडवांस में 3200, एरियर्स में 1200। कोई भी डाउट, अलॉटमेंट डन। अब फर्स्ट कॉल की बारी आई, कोई अभी बताओ मुश्किल अभी तक कुछ, ध्यान देना तो यस बिल्कुल ध्यान देना है, मजा आएगा इसी चीज का तो ध्यान रहे कि भैया 12th में आ गए, बड़े हो गए हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करो। अलॉटमेंट वनी हो गई फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स हैं अभी, कोई फोरफिट हो, रुको जरा, अलॉटमेंट के बाद तो कुछ एक्शन प्लान बनाया था इन्होंने, ध्यान से देखेंगे, लो कहानी यहाँ पढ़नी है हमें। गोपाल शेयर्स वर इमिजिएटली फोरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, आफ्टर वर्ड्स द फर्स्ट कॉल वॉज मेड, तो हम बच गए, बच गए, अभी हम गलती कर बैठते, फोरफिट हो रहे हैं। फोरफीचर की एंट्री क्या होती है, अगर पहली बात प्रीमियम है क्वेश्चन में, यस प्रीमियम मिला कि नहीं मिला, पकड़ो सर एक बारी, हर स्टेज पे प्रीमियम है बेटा। गोपाल ने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी, प्रीमियम मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला, दिया तो है उसने एप्लीकेशन का, मिला भी और नहीं भी, तो जो मिल गया उसको इग्नोर करेंगे, जो नहीं मिला उसको रिवर्स करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिटेड सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिटेड टू टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू, सॉरी, जो पैसे नहीं मिले, जो पैसे नहीं मिले वो एरियर्स, जो पैसे मिल गए वो फोरफीटेड शेयर्स। किसकी कहानी है ये, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हैं गोपाल के, बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे तुम लोगों पे, 200 सर, इसलिए हम बोलते ही नहीं। फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन 5 रुपए मांगे हैं अभी, 10, ऐसी मदद ना करें। शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन, स्टेप स्टेप पे रूल्स का ध्यान देंगे, 205। प्रीमियम अलॉटमेंट का नहीं मिला, अलॉटमेंट पे 3 रुपए था, 3 रुपीज, तो 2 3 6, प्रीमियम नहीं मिला। एरियर्स कितने पैसे नहीं मिले, पूरी अलॉटमेंट मनी नहीं मिली, एप्लीकेशन पूरी की पूरी मिली, तो अलॉटमेंट मनी कितनी थी, 6। फोरफीटेड शेयर्स 200, एप्लीकेशन मनी कितनी है, 4 रुपए, तो मैच कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा सर, 1 मिनट रुक जाओ, शांति। प्रीमियम जो मिल गया उसको इग्नोर करेंगे, एप्लीकेशन पे कितना था टोटल, 4 रुपए था, जो प्रीमियम मिल चुका है उसको इग्नोर करेंगे, जो प्रीमियम मिल, तो ये ध्यान रखना ना, डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे कि नहीं कर रहे, नहीं कर रहे तो मतलब कुछ खा गए हम, तो फिर कॉन्सेप्ट पे पकड़ेंगे कि प्रीमियम जो मिल चुका है उसको इग्नोर करेंगे, एप्लीकेशन पे 2 रुपए फेस वैल्यू थी, 2 रुपए प्रीमियम, प्रीमियम को इग्नोर करेंगे। बात समझ आई, रूल्स रूल्स भर भर के हैं, क्लियर है अभी तक। अब फर्स्ट कॉल मांगी, अब फर्स्ट कॉल मांगी, तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड
टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट ऑफ ऑल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट ऑफ ऑल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम भी है सर, तो फिर क्या हो जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब ध्यान क्या देना है, गोपाल के शेयर्स तो फोरफिट हो गए, टोटल शेयर्स कितने थे 50,000, गोपाल के कितने थे 200, अभी सिर्फ गोपाल के फोरफिट हुए हैं तो बचे कितने 49,800। आपने जब फर्स्ट कॉल मांगी तो 49,800 में मांगी, फर्स्ट कॉल कितने की है 4+1 ₹5, 1 रुपये प्रीमियम, तो 49,800 इंटू 5, 200 इंटू 5 ₹1,000 ही कम है, किससे 2,50,000 से, तो 249 होना चाहिए, वेरीफाई कर लेंगे, 49,800 इंटू 5, 2,49,000 टोटल मिलने चाहिए थे इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो फेस वैल्यू क्या है, 4+1 तो 49,800 इंटू 1, वन नाइन्टी नाइन टू हंड्रेड। ये क्या है, मनी ड्यू, क्या है ये, मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री होती है मनी रिसीव्ड, तो फिर से क्या होगा, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, फिर से सेम मनी ड्यू। अब आगे की कहानी पढ़ लेते हैं पहले कि फर्स्ट, क्योंकि हमें बाप पुराना तो पता है कि गोपाल तो है एग्जिस्ट ही नहीं करता, माधव ने एडवांस दे रखा है तो वो अब वो वाला एडवांस माइनस हो जाएगा, क्यों, वो ऑलरेडी दे चुका है, अब दोबारा थोड़ी ना देगा। आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट कॉल वॉज मेड, कृष्णा होल्डर ऑफ 100 शेयर्स पेड टू पे द फर्स्ट कॉल, एंड गिरधर अ होल्डर ऑफ 300 शेयर्स पेड द सेकेंड कॉल विद द फर्स्ट कॉल। तो कुछ नया एडवांस आया, कुछ एरियर्स हैं, कुछ पुराना एडवांस भी एडजस्ट हुआ, लॉजिक सेम ही रहा। मनी ड्यू कितने शेयर्स हैं, 49,800 इंटू 5, तो कितने पैसे मिलने चाहिए वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब एड एक्स्ट्रा पैसे किसके आए, गिरधर, गिरधर, गिरधर ने क्या सेकंड कॉल दे दी, सेकंड कॉल कितने की है एक्स्ट्रा 3 रुपए की, गिरधर के शेयर्स कितने हैं, गिरधर होल्डर ऑफ 300 शेयर्स कितनी थी सेकंड कॉल 3 रुपीज, नाइन हंड्रेड एक्स्ट्रा आ गए, 249,900 लेस, पुराना एडवांस एडजस्ट हो रहा है, एडवांस एडजस्टेड किसका, माधव का फर्स्ट कॉल का एडजस्ट हो रहा है, अभी उसने फर्स्ट कॉल का भी दे रखा है सेकंड कॉल भी दे रखा है, अभी फर्स्ट कॉल का एडजस्ट हो रहा है, कौन है ये माधव, माधव होल्डर ऑफ 400 शेयर्स, फर्स्ट कॉल कितने की है 5 रुपए, तो 400 इंटू 5 2,000 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, समझ आई बात, और एरियर्स हैं कृष्णा के, कितने एरियर्स हैं कृष्णा के, होल्डर ऑफ 100 शेयर्स पेड टू पे द फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितने के 5 रुपए की, तो 2,500 माइनस हो गए, 2,500 मतलब 247,400, 49,900, 247,400 मनी रिसीव। कैलकुलेशन में कोई डाउट, क्या कुछ नया बताया, फिर भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना, मतलब यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, नंबर वन यू शुड नो ऑल द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, आप केयरफुल, सर आई एम केयरफुल बट आई डोंट नो द कॉन्सेप्ट, तो फिर भाई साहब पहाड़ों पे जाओ, वहां पे केयरफुल रहना, ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिटेड, पुराना एडवांस एडजस्ट हो रहा है, कॉल्स इन एडवांस डेबिटेड, एरियर्स हैं सर कुछ,
कॉल्स इन एरियर्स डेबिटेड टू, किस चीज के पैसे हैं ये? टू इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल, सर कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी आ गए, कॉल्स इन एडवांस। फर्स्ट कॉल मिलनी कितनी चाहिए थी सबसे पहले तो वो लिख दो, क्योंकि ये चेंज थोड़ी ना होना है, ये तो 249 रहेगा, वो तो ड्यू में आती है ना बेटा, बैंक के साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आता, ठीक है ना, वो ड्यू के एंट्री के साथ आता है। अब कितना पैसा रिसीव हुआ वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये सारा वर्क नोटिव था 247,400, 247,400। तो वर्क नोट नंबर टू, टू दिया था, थ्री दिया था उसको नाम, थ्री चल। अब क्या हुआ, अमाउंट डालेंगे सर, पुराना एडवांस कितना माधव, पुराना एडवांस कितना एडजस्ट हुआ था, 2,500,900, 2,500 और 900, 249,900, 249,900, समझ आई बात, कोई भी डाउट? अब फोरफीट कर देंगे इसके आफ्टरवर्ड फर्स्ट कॉल कृष्णा, कृष्णा शेयर वर फोरफीटेड इमिजिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल, आराम आराम से एक लाइन करके पढ़ लो, कृष्णा के शेयर फोरफीट करेंगे, शेयर फोरफीट हो रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल तो डेबिट होगा ही होगा, प्रीमियम मिला तो इग्नोर हो जाएगा, नहीं मिला तो रिवर्स हो जाएगा, कौन है कृष्णा, कृष्णा फेल टू पे द फर्स्ट कॉल और उसके शेयर फोरफीट हो गए, बड़े निर्दयी लोग, उसने एप्लीकेशन मनी दी, उसने अलॉटमेंट मनी दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो मतलब फर्स्ट कॉल पे भी तो प्रीमियम है, तो प्रीमियम नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा। टू, जो पैसे नहीं मिले वो एरियर्स, जो पैसे मिल गए वो फोरफीटेड शेयर्स, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट? शेयर कैपिटल कितने शेयर्स हैं कृष्णा के, है बेचारा 100 शेयर्स थे बस, 100 शेयर्स, फर्स्ट कॉल तक पैसे मांगे, सेकंड कॉल नहीं मांगी, तो 9 कॉल्ड अप, शेयर कैपिटल विल बी डेबिट, किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो ना हो पाएगा हमसे, आने के चांसेस वेरी हाई, ठीक है ना, कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा वो आपको थोड़ी ना पता, तो ये बस आपको सारे कॉन्सेप्ट याद दिला रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है, अच्छा ये भूल गया मैं, अच्छा ये भूल गया मैं, अच्छा ये भी होता है, वो भी होता है, तो ये वो है एक क्वेश्चन जो हमें सब कुछ याद दिला दे, नानी भी 100 प्रीमियम जो नहीं मिला, प्रीमियम फर्स्ट कॉल नहीं दी, 1 रुपया, मुश्किल नहीं है बट एक्स्ट्रा केयरफुल। एरियर्स फोरफिटेड शेयर्स, उसने क्या दिया था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दी थी, उसने क्या दिया था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दी थी, इग्नोर द प्रीमियम, इग्नोर द प्रीमियम, जो गलती पहले करी दोबारा थोड़ी ना करेंगे, इसी का तो ध्यान देना है, इग्नोर द प्रीमियम, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल चुका है, तो फिर फोरफिट कितना होगा, 5 रुपये, तो फोरफिटेड में कितना जाएगा, 5 रुपये, तो एरियर्स में कितना जाएगा, जितने की भी फर्स्ट कॉल थी, निकाले ना आपने एरियर्स, कितने निकाले उसके एरियर्स, 100 × 5, क्लियर, कोई भी डाउट? सर एक ही डाउट है, अब बाकी क्वेश्चन कहाँ कर सकते, ध्यान से देखना, कृष्णा शेयर पर फोरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, हो गए जी फोरफिटर, सेकंड कॉल, सेकंड फाइनल कॉल वाज मेड, अच्छा हुआ सर इसमें कोई नए कैरेक्टर्स नहीं आए, ठीक है जी, थोड़ा तो तरस उनको भी आता ही होगा, वरना चाहते तो वो यहाँ पे 2 लोग और ला सकते थे, दो तो नहीं लाते क्योंकि अब एडवांस नहीं हो सकता, एक तो आ ही सकता था ना जिसने सेकंड कॉल भी ना दी हो, तो सेकंड कॉल इजी है, बट हमारा कंसर्न है जगह, बना लेते हैं बेटा जगह मन में होने, ध्यान से देखा, अभी इसको हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना, इसको हम बाद में यूज कर लेंगे, ठीक
टेंशन ही खत्म हो जाएगा ना, नीचे कितना फैलना है। चलो ध्यान से देखेंगे, 4 फीट हो चुके हैं। सेकंड कॉल मांगी, इक्विटी शेयर, सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ आ रहा है ना, ये कुछ बच्चे बेचारे पहली बार आए हैं। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ध्यान क्या देना है, कृष्णा के शेयर्स भी 4 फीट हो चुके हैं, तो 50,000 शेयर्स थे उसमें से 200, 200 ना, 200 गोपाल के शेयर्स 4 फीट हो चुके हैं, 100 कृष्णा के, 300 शेयर्स 4 फीट हो गए, बचे कितने, 49,000। और फाइनल कॉल है कितने की, 3 रुपीज, 1 + 2, 2 रुपी प्रीमियम है, 3, तो प्रीमियम 2 रुपीज है, फेस वैल्यू 49,700, 3,699,400, ठीक है जी, तो मतलब 3,3 = 9, 149,100, 139,148, 149,100, कोई भी डाउट। वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन सेकंड कॉल, इजी है, कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन सेकंड कॉल, मनी ड्यू कितने शेयर्स थे, 49,700, 149,100, लेस, कोई एरियर्स हैं, नो, बट कुछ एडवांस आया हुआ है, कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड, तो माधव एंड गिरधर, माधव एंड गिरधर, माधव होल्डर ऑफ, माधव 400 शेयर्स थे और गिरधर 300। फर्स्ट कॉल कितनी है, फाइन, सेकंड कॉल 3 रुपए की है ना, 1 + 2, 4 3 = 12, 3 3 = 9, 2,100 - 1 है तो कितने पैसे मिल गए, 147, तो बैंक में कितने आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सेकंड कॉल मिल रही है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट हो रहा है, कॉल्स इन एडवांस, माइंड में ना एक स्टेप जंप कर गया था, मैं री इशू के बारे में सोचने लग गया था, अभी नहीं, रुको रुको, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एडवांस डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, पैसे मिलने कितने चाहिए थे, 149,100, पुराना एडवांस कितना एडजस्ट हुआ, 2,100, पैसे कितने आए, 147, कोई भी डाउट, इस स्टेज पे कोई फोरफीचर नहीं है, अब फोरफीटेड शेयर्स री इशू हो रहे हैं, ऑल द फोरफीटेड शेयर्स पर री इशू 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप, तो 9 का 9 में, यस और नो, बोलो बेटा लुगानी, कितने का कितने में, थोड़ा सा नीचे नीचे करके क्या हो रहा है, लाइन तो, चलो बस जल्दी बताओ बेटा, श्योर, आर यू श्योर, फाइनल आंसर, प्रगति, करेक्ट, 10 का 9 है फुल्ली पेड अप, तो एंट्री क्या हो जाएगी, 10 का 9 में, तो डिस्काउंट है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑल द फोरफीटेड शेयर्स, ऑल द मतलब शुरू से शुरू करना पड़ेगा, अलॉटमेंट पे कितने शेयर्स थे, 200, फर्स्ट कॉल पे कितने फोरफीट हुए थे, 100, सेकेंड कॉल पे कोई फोर, 300 शेयर्स ही हैं, ठीक है ना, 300 शेयर्स ही हैं,
9 रुपए के 3 9 27, 300, 3000, कोई दिक्कत? सारे शेयर्स रीइशू हो रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व निकालना भी इजी होता है, फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व, इसके लिए वर्किंग नोट की भी जरूरत नहीं है। फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व, टोटल अमाउंट फोरफिटेड, फोरफिटेड अमाउंट फोरफिटेड, तो आपको अलॉटमेंट पे देखना पड़ेगा, मनी ड्यू मनी रिसीव्ड, अमाउंट फोरफिटेड 400, ठीक है ना? किसका? गोपाल। और फोरफिटेड 500, किसका? कौन था ये? कृष्ण। तो ये बस ध्यान से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। 500 प्लस 400, टोटल अमाउंट फोरफिटेड 900, डिस्काउंट कितना दिया? 300। मुश्किल नहीं था, लेंदी था काफी।